उसके खास कार्यक्रम रिपोर्टर सफाई वाला में इस वक्त बंसल न्यूज की टीम पहुंच चुकी है नगर परिषद ओबेदुल लगन के वार्ड क्रमांक 6 में। और ये वार्ड क्रमांक 6 का दिगवाड़ गांव है, यहाँ हम हमारी टीम पहुंची है और हम ये जानने की यहाँ ग्रामीणों से समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी समस्याएं क्या है और जो जब चुनाव आते हैं जनप्रतिनिधि इनकी समस्याओं को लेकर किस तरीके के आश्वासन देते हैं, कितने विकास कार्य इस गाँव में हुए हैं और हम इनसे बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो इन ग्रामीणों ने जो बताया है इनकी है पैदल पुल की समस्या, जो कि यहाँ पर कोई भी वाहन चार पहिया वाहन यहाँ पे नहीं आ पाता और बारिश के समय में यहाँ पर यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई रोड भी नहीं है, जिसके कारण ये ग्रामीण खासे परेशान हैं। आप मुझे बताइए क्या समस्या है आपके वार्ड में? यहाँ परेशानी यही है कि पुल नहीं है, रोड नहीं है, बच्चे हमारे परेशान होते हैं, कोई भी हमारी व्यवस्था नहीं हो रही है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, पाइप लाइन है तो भावी बंद है, पानी बाहर से लाते, कहीं उमरिया जाते, कहीं खेतों में जाते, बच्चे ले लेकर बच्चे पढ़ने जाते तो बेबी कीचड़ में गिरते हैं, है? रोड की कोई व्यवस्था ही नहीं है, जहाँ सही रोड नहीं है, नदी में नाला में पानी आ जाता है, कोई डिलीवरी बाई हो जाती है तो अथर ले जाते हैं, खटिया पे लेके जाते हैं, नदी में कैसे निकले हम? जनप्रतिनिधि हैं जिनको आप पार्षद चुन रहे हैं, अध्यक्ष चुन रहे हैं, ये लोग आते हैं जो कोई काम वाम नहीं कराते? आते हैं मगर काम नहीं कराते, बोल के चले जाते हैं कि हाँ हम करवाएंगे मगर फिर लौट के नहीं आते पार्षद। ये जो पानी की जो समस्या होती है तो फिर आप लोग गर्मी के दिनों में या बारिश के दिनों में कितने हैंडपंप लगे हैं यहाँ पे, पानी कैसे आप लोग घरों का पानी कैसे भरते हैं? ये कही है पानी की समस्या यही है, ये कही कैसे भरते हैं? हम उमरिया जाते, इकलामा जाते, खेत खेत फिरते है, हम पानी की व्यवस्था करेंगे जब लान के नहीं हम पीते। ये पुल के लिए आप लोगों ने कभी कहीं शासन प्रशासन के लोगों से या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे कभी ये पुल के लिए कभी बात नहीं की कि ये पुल बन जाए, क्योंकि बारिश के दिनों में फिर आप लोग कैसे आवागमन करते हैं? इसके लिए तो हम लोगों ने कई बार आवेदन दिए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं, सब आश्वासन देते हैं आपका काम हो जाएगा, जैसे अब वोटिंग का टाइम आ गया बहुत लोग आएंगे, हम लोगों को आप सपोर्ट करो, हम ये करवाएंगे, हम पुल बनवा देंगे, रास्ता बनवा देंगे, आपके यहाँ पानी की समस्या है उसको समस्या हल करेंगे, मसान घाट है वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है उसका भी बोलते हैं, लेकिन सारे जो जीतने के बाद कोई ध्यान नहीं देता कि क्या है इधर क्या नहीं। आप देखो ना ये इधर पूरा पानी भर जाता, नदी नाले पूरे हो जाते हैं, फिर सब इधर के इधर रुक जाते, कोई बीमार हो, कोई मर रहा हो, मर जाए, किसी को कोई। मुझे एक चीज बताइए कि जो पुराने पार्षद और अध्यक्ष जो रहे हैं तो उन्होंने यहाँ कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कि आप लोग मुख्य धारा से जुड़ सके? सर उन्होंने काम तो किए लेकिन छोटे छोटे काम किए, ये आपदा उन्होंने अभी तक नहीं मिटाई। ये आवेदन हमने एसडीएम साहब को भी दिया, अगले साल कलेक्टर साहब को भी दिया, मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में भी दिया, सांसद जी को भी दिया, नगर पालिका में दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके लिए हम परेशान फुल हालत में हुए, पानी भर जाता है, हम 8 महीना निकलने की कंडीशन ये होती है, यहाँ से सर्रे जाते हैं, जैसर जाते हैं, टामुक से होते हुए सिंधी कैम होते हुए अब्दुल्ला का जाते हैं, 15 किलोमीटर का चक्कर खा के हम पठारे लग के जाते हैं, 15 किलोमीटर चक्कर खा के अब्दुल्ला का जाते हैं, इसी हालत से हमारा समय गुजर रहा। कितने मकान बने हैं यहाँ पे? कितने मकान? यहाँ पे 200 कुछ वोटर है, 200 कुछ वोटर है, लगभग 80-90 मकान है। टोटल आबादी कितनी है? 80-90 मकान है टोटल। हाँ हाँ टोटल आबादी कितनी? टोटल आबादी 700 होगी लगभग। हाँ छोटे बच्चे सब मिलाकर। स्कूल की व्यवस्था तो 5वीं तक स्कूल है यहाँ पे, 5वीं के अलावा कोई स्कूल नहीं है, बाकी कोई व्यवस्था की तो बात आप करो ही मत। मतलब व्यवस्था क्या है, कभी ये काती परिषद तो 5 मीटर रोड बनवा के चले जाते हैं तो जो आपके सामने है ये भी टूट रहा छूट रहा है, बाकी पुल बन नहीं रहा। इस सामने वाला जो रोड है जो गिट्टी वाला, हमने पिछली साल जुलाई से सीएमओ के पास गए हम 8-10 लोग इकट्ठे हो गए, भैया इस पे बजरी डलवा दो, नहीं डलवाई, फिर किन लगे आवेदन लिख के दे दो, 3 बार आवेदन दे उसकी नकल भी रखी पावती, फिर मैंने 3 सितंबर को 181 पे शिकायत डाली, उसको
कहना रिपीट चलती रही, पर उससे फोन ही आना बंद हो गया। पर एक ग्राम बजरी नहीं डली, पूरी साल निकल गई, फिर से जुलाई आ गई। पिछली जुलाई से शिकायत करते करते फिर से जुलाई आ गई, एक ग्राम बजरी नहीं। रोड आप देखते आए, ये स्थिति है यहाँ की। बच्चे गिर जाते हैं, एक गोद में लेता है, बैग लेके नहीं जा पाते वो तो बिजर। अच्छा दूसरी चीज, सारा गांव का मजदूर है। अब बेचारे वो बच्चों को लेने और छोड़ने जाए के मोसे कर मजदूरी करने जाए। कई गईया मर गई, आदमी गिर गए, मोटरसाइकिल वाला अभी पानी भर के आ रहा था लड़का, एक दिन की बात है, वो अपने कनम ब्रिज भैया का बेचारा केऊ बार और केऊ बार ऐसी हुई कंडीशन, कहीं कुछ नहीं। जहाँ डीपी जल जाती है तो जहाँ कोई नहीं आते, और जहाँ के जनप्रतिनिधि ने वो खेत वाले जल्दी आ जाते हैं, मेरी मूंग पैदा हो जाए, मेरी फसल पैदा हो जाए। हम जैसे तैसे मना थपा के हाथ बिनती करके रखवाते हैं, वो खेत में चला के वो फिर जल जाती है, फिर हम परेशान होते रहते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं इन ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या तो ये पैदल पुल है कि ये पुल अगर बन जाए तो यहाँ चार पहिया वाहन भी इनके यहाँ तक, इनके घरों तक पहुँच सकता है। जननी एक्सप्रेस भी इनके घरों तक पहुँच सकती है, एम्बुलेंस पहुँच सकती है, दमकल की गाड़ियां भी इनके घरों तक पहुंच सकती हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। दूसरा इनका सबसे बड़ा मूल एक और समस्या है, जो है कि यहाँ की सड़क, यहाँ तक बनने वाली सड़क नहीं है। बारिश के दिनों में इन्हें 15 किलोमीटर दूरी से तय करना पड़ता है, यानी कि 13 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो लोग चलते हैं, वो भी पैदल पैदल मार्ग से होते हुए। ये लोग अगर इन्हें कहीं शहर की तरफ जाना हो, हाईवे पे जाना हो, तो ये 15 किलोमीटर घूम के वहां से जाते हैं। मेरे साथ एक अम्मा जी हैं। अम्मा जी क्या नाम है आपका? कृष्णा भाई। हाँ। तो ये नेता वेता आ रहे होंगे अब तो, बोर्ड वोर्ड मांगने नहीं आ रहे? वे तो आ रहे हैं रोज ही, आ गए अब तो, जब तक वोट डाले अब तक रोज फिर घर पे। पामा पढ़ने डेली आ रहे हैं? हाँ आ रहे, नहीं कल ही आए थे, कल का परसों आए थे। क्या कह रहे हैं? अब भैया मैं नहीं है, टाइम पे मैं कितनी चली गई थी। वोट मांग रहे होंगे ना? मांगेंगे भाई, वोट मांग रही है। ये बोल रहे होंगे पुल बनवा देंगे? वे अब नहीं बोल रहे कुछ भी, अब वोट चाहिए बस। तो इस बार कैसा नेता चुनोगी आप, जो काम वाम कराए आपका, पुल बनाए, रोड बनाए, पानी की समस्या दूर करे? अरे वही नेता होना चाहिए जो हमारा काम नहीं रोकने चाहिए, परेशान नहीं होनी चाहिए जनता। मालूम मोड़ मोड़ी पोटली बना बना के ले गए भैया, मोड़ मोड़ गिर जा लो था के घर लेके आ वापिस। हाँ डिलीवरी बारी बाई है खटिया पे छोला कर चार जने पकड़ के ले जा, जब डिलीवरी बेचारी वहां पहुंची अस्पताल, इतनी दिक्कत आ चौमासा में भैया बहुत ज्यादा परेशान। कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुना ही नहीं, बस देख जाके नफ्ती कर गए, चार छह वक्त नफ्ती हो गई, कोई भी नहीं करा काम। हाँ मकान टेस भी दे रहे, सब दे रहे, मैंने कुछ भी नहीं हो रहा, बिल भी दे रही, सब दे रहे, मैंने कर ही नहीं कोई कर। क्या नाम बेटा आपका? खुशी। हाँ। कौन सी क्लास में? आठवीं। आठवीं में कहाँ जाती हूँ? उमरिया। उमरिया, बरसात के दिनों में कैसे जाती हूँ? पैदल। पैदल? हाँ। गाड़ी वाड़ी नहीं आती? नहीं नहीं आती। नहीं। तुम्हारा क्या नाम बेटा? पूनम विश्वकर्मा। कौन सी क्लास में? मैं 12th। कहाँ जाती हूँ? अब्दुल्लागंज। ये बारिश में जब पुल पे पानी वगैरह आ जाता है तो फिर आप लोग कैसे जाते हैं? नहीं, पूरी बारिश भर अपनी मतलब पढ़ाई नहीं हो पाती यहाँ पर, क्योंकि नदी में पानी भरा रहता है और रोड भी नहीं है, तो भैया लोग काम पर जाते हैं, हमें छोड़ने जाएंगे, फिर वहाँ से 15 किलोमीटर इतना तो हो नहीं पाता है, इसलिए फिर यहीं से जब बारिश कम हो जाती है जब ही जाना होता, नहीं तो बारिश भर की पढ़ाई नहीं हो पाती यहाँ। हाँ 2-3 महीने नहीं, घर पर होती है लेकिन स्कूल नहीं जाती। हाँ और वहाँ से फिर गाड़ी वाड़ी भी नहीं आती, उमरिया से मैजिक मिलती है, यहाँ से पैदल कीचड़ में जाओ और फिर उमरिया पे जाकर हाथ पैर बहुत मतलब जाने नहीं हो पाता है अपना। चलिए देखिए, ये भी एक बड़ी समस्या है बच्चों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो ये बच्चे 4 महीने स्कूल नहीं जा पाते। ये छात्रा है 12th क्लास की, ये बता रही है कि बारिश के 4 महीने ये लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इस पुल पे पानी आ जाता है और पैदल जो रास्ता है वहाँ इतनी कीचड़ होती है पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, और 15 किलोमीटर ये बच्चे चल के कैसे जाएंगे स्कूल। आप बताइए मुझे क्या स्थिति आपके गांव की, और ये विकास विकास क्यों नहीं हो पा रहा, और अब कैसा नेता चुनना चाहेंगे आप? जी ये काम कराए उसको चुनना चाहेंगे। पहले जो चुने उनका क्या हुआ? उनने तो कुछ भी नहीं करा, वादे तो किए थे। हाँ वादे तो किए, कितने पूरे हुए? एक भी नहीं हुए। अब
अब चाहते हैं कि हमारा काम हो, विकास हो, बच्चों का भविष्य सुधरे, पुल बने, रोड बने, शमशान घाट बने, तो बच्चों का भी भविष्य सुधरे। अब बारिश में आने जाने में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, नदी चढ़ जाती, दो दो घंटे नहीं आते, इधर के उधर रुक जाते, उधर के इधर ही रुक जाते। जी समझ। दादाजी आप मुझे बताइए कि कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 60-70 साल होगा। तो 60-70 साल से यही स्थिति जो अभी है? यही स्थिति। कहीं कुछ नहीं हुआ? कोई पुल नहीं बना? कुछ नहीं। पानी वानी कोई समस्या? कुछ नहीं, सब समस्या जैसी की जैसी। मैं बर्मा है तो वे भी वैसे ही पड़े। कितने बर्मा लगे आपके गाँव में? बर्मा दो है, एक में मोटर डाली है स्कूल वाला सरकारी में, और एक जो है दो साहब है वो तो अगल है स्कूल को, तो दो है चालू है दोनों? नहीं वो तो एक दोनों चालू है क्या? नहीं बंद है। गर्मियों में पानी? पानी सब खेतों में ढोते हैं। अब जगह है, अब गांव में दो तीन घर के ट्यूबवेल भर भी लेते बेचारे, गाँव बस्ती भर लेने देते, खेत में ढोते हम तो जो पुल है। चलिए सर, लगभग 70 साल से अधिक का समय इस गांव को हो गया है, लेकिन समस्या कहीं भी हल होती दिखाई नहीं दे रही है। नेता आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, इनसे वादे करते हैं, आश्वासन देते हैं और इनसे बोर्ड मांगते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद पलटकर नहीं देखते। क्यों? क्योंकि नेता को सिर्फ बोर्ड से मतलब है, इन समस्याओं से मतलब नहीं है। क्योंकि इस गाँव की इतनी भीषण समस्याएं हैं, इनका कम से कम इस जो पुल है ये बन जाए, यहाँ पर रोड बन जाए, जिसके बाद के इनका आवागमन सुगम हो सके, ये बच्चे स्कूल जा सके, यहाँ डिलीवरी वाली जो महिलाएं हैं उन्हें कम से कम इलाज मिल सके, इसके लिए कोई व्यवस्था नेताओं के सिर्फ कोरे आश्वासन है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ चुनाव आएगा, नेता आएंगे, पैर पड़ेंगे, वोट मांगेंगे, उसके बाद पलट कर नहीं आएंगे। ये बड़ी बात है। हमारे साथ एक और यहाँ पे जो उम्मीदवार है वार्ड नंबर 6 के, वो भी इस वक्त आ चुके हैं, जुड़ गए हमारे साथ भी। आप मुझे बताइए, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, और ये जो समस्याएं हैं आप इस गांव की समस्या देख रहे हैं कि क्या समस्या है, और उनकी जब से ये गांव बसा है आजादी के बाद से इनकी इस तरीके की समस्याएं हैं, तो क्या विजन है आपका अब यहां के विकास को लेकर? अब पहली बात तो मैं नेता नहीं बनूंगा, नेता हूं नहीं, मैं तो सेवक बनूंगा। मैं तो आया ही सेवक बनने के लिए हूं, सेवा करने के लिए हूं। नेता बनना कोई विजन नहीं है अपना। अब रही बात काम करने की, तो मेरी तो आंखें खुद नम हो जाती यहाँ देख के कि यार कोई काम नहीं है। अभी मूलभूत सुविधाओं से ही महरूम है अपन, तो ऊपर की बात करना तो व्यर्थ है। पानी नहीं है, सड़क नहीं है, है ना, लाइट नहीं है, ये पुल नहीं है, कैसे कैसे निकल के परेशान होके जाते हैं बच्चे बेचारे, कितनी रिस्क लेके पार करके स्कूल जाते हैं, आते जाते हैं, क्या परेशानियां हैं। तो मैं तो खुद ही सोच के ऐसे समझता हूँ कि क्या किया है हमने अभी तक। मैं तो इसीलिए आया हूँ कि यार अभी तक जो कुछ नहीं कर पाए लोग, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, कम से कम अब मैं आके इन सब के लिए करूं, इनकी सेवा करूं। इसीलिए मैंने ऐसा निर्णय किया कि जो अभी तक कोई नहीं कर पाया मैं आके करूं वो। इसीलिए मैंने इन सब के बीच में आके और इनकी सेवा करने का निर्णय लिया है, इसीलिए मैं आया हूं। सेवा भाव तो चुनाव लड़ने से पहले हर उम्मीदवार ये बोलता है। देखिए सेवा भाव की हर आदमी बात करता है, विकास के दावे भी करता है, लेकिन इनको 70 साल से अधिक समय हो गया है यही सुनते हुए कि हम ये विकास करा देंगे। आश्वासन तो सबसे मिले हैं, लेकिन ये ठोस आश्वासन, ये संकल्प आप लेना कि यहाँ का हम विकास करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल देता हूँ, क्योंकि मैं बेटा हूँ यहाँ का, मैं खुद ही यहाँ पे रहने वाला, मैं निवासी हूँ, इधर आना जाना लगा ही रहता है। तो मैं खुद ही चाहूंगा कि भैया मेरी ये आवश्यकता है, मेरी खुद की आवश्यकता है यहाँ का विकास करना। तो मैं इस बात से बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हूँ और दृढ़ निश्चय हूँ कि ये काम मुझे करना ही है, कैसे भी करना है। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, इन सब लोगों का सहयोग लेके, इन सब के साथ जाके, और जो भी काम होगा सबके सहयोग से और सहमति से और इन सब की ताकत से, मैं इन सब के आशीर्वाद से ये सब काम कर पाऊंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए कहीं ना कहीं देखिए इनका एक संकल्प है, इन्होंने आज बंसल न्यूज पे एक संकल्प लिया है, अगर ये यहाँ से चुनाव जीतते हैं, हालांकि यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं, सुजीत यादव हैं, यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इनने बंसल न्यूज के कैमरे पर बंसल न्यूज से ये संकल्प लिया है कि ये जीतने के बाद इस गांव की जो मूलभूत समस्याएं उन्हें दूर करेंगे, इस पैदल पुल और पैदल मार्ग को बहुत जल्द बनवाएंगे। अब देखना ये होगा कि ये चुनाव जीतने के बाद ये नेताजी भी चले जाते हैं, पलट के देखते हैं
या नहीं, या फिर जो अन्य पहले भी जो आश्वासन इन ग्रामीणों को मिलते रहे हैं वही आश्वासन मिलते हैं, या फिर इस गांव में कोई विकास होता है। कैमरामैन राजा के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, ओबेदुल लगंज।